करना है तो करना है, चाहे आपके पास रिसोर्सेज कम है या ज़्यादा है। और आप लोग भी ऐसा इक्विपमेंट बनवा के लगा सकते हैं, इसके अंदर आपकी बैक के लिए और भी काफ़ी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज हो सकती है। जो मेन पर्पज़ है वो है कि आपके पास एक्सक्यूजेज नहीं होने चाहिए आपके वर्कआउट को लेके, आपकी हेल्थ को लेके, आपकी सेहत को लेके। राम राम जी। तो कैसे आप सब, आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में और अभी हम हैं विपिन देसी फिटनेस में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हमने शुरू की हुई है एक नई सीरीज जिसका नाम है ब्रिक्स ब्रेक सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम आप लोगों को क्या करते हैं, हम लोग आप लोगों को बताते हैं दो ईंटों से आप अपनी फुल बॉडी को कैसे ट्रेन कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने किए थे 3 एपिसोड और तीनों एपिसोड से उम्मीद करता हूँ आप सभी को काफ़ी हेल्प मिली होगी, है ना। तो आज हमारा चौथा एपिसोड है जो हमारा शोल्डर का वर्कआउट है, और शोल्डर का वर्कआउट हर कोई चाहता है कि हमारे ब्रॉड शोल्डर, डेल्टॉइड हमारे बिल्कुल राउंड शेप में हो। तो उसी का वर्कआउट आज हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे मेन चीज जो मैं आप लोगों को अभी बताने जा रहा हूं वो ये है कि आपको अपने किसी भी वर्कआउट से पहले वार्म अप जरूर करना है। क्यों? क्योंकि जो बिगनर्स भाई होते हैं, नए भाई होते हैं, वो क्या करते हैं, जिम के अंदर जाते ही वेट लिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, है ना। वो बताते नहीं अपनी मसल्स को कि आज हम आपको ट्रेन करने वाले हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर मसल्स का वार्म अप नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वार्म अप करना है, अपनी मसल्स को बताना है कि आज हम आपको ट्रेन करने वाले हैं, उसको जगाना है। तो आपका वार्म अप रहेगा 10 से 15 मिनट का पहले। तो फुल को आपको वार्म अप कर लेना है, जिस मसल को ट्रेन करना चाहते हो उसके आपको एक दो लाइट वेट से सेट लगा लेने, अपनी बॉडी को वार्म अप कर लेना है। तो सबसे पहले अभी हम करेंगे शोल्डर का वार्म अप, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा 3 एक्सरसाइजेस जो आप ब्रिक्स के साथ कर सकते हैं और आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अपना वार्म अप, है ना। वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग दोनों चीज़ें अभी हम इसके अंदर करेंगे। तो वार्म अप में आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने शोल्डर को वार्म अप करना है। आप शोल्डर को वार्म अप आप कैसे करेंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। शुरू में आपको क्या करना है, अपनी जंपिंग करनी है, वो भी आर्म्स के साथ, है ना, ये फ्लाई जंपिंग ये वाली। ये आपको क्या करना है, पहले जो 10 आपके रेपिटेशन रहेंगे उसके अंदर आपकी जो आर्म्स है, मतलब आपकी जो ग्रिप है वो खुली रहेगी। उसके बाद आपको अपनी ग्रिप को बंद कर लेना है थोड़ा सा टाइट करके। अब ये देखिए, मैं फ्री लगाऊंगा, पहले 10 रेपिटेशन रहेंगे आपके, ये शोल्डर के साथ जाना है पूरा, ये पूरा खींच के 9 10। अब मैं 10 करूंगा ये, अब मेरी जो हथेली है, जो मेरी ग्रिप है वो अब बंद है इसके अंदर। ये देखिए, ये पूरा आपको फील करना है अपने शोल्डर के साथ। तो ये 10 रेपिटेशन आपको करने हैं, है ना। ये 2 से 3 सेट में आप लोग करें, उसके बाद आपको करनी है शोल्डर के साथ स्ट्रेचिंग। वो आप कैसे कर सकते हैं, अभी सबसे पहले ये हाथ आपको यहाँ पे लगाना है, इतना स्ट्रेच करना है कि आपको ना फील आए कि हाँ मेरी मसल स्ट्रेचिंग हो रही है। ज़्यादा पूरा इसको घुमाना नहीं है, यहाँ से होल्ड करके पूरा इसको फील करना है। तो 2 से 3 बार आप लोग ये कर सकते हैं, उसके बाद आप फ्रीली अपनी आर्म्स को मूव कर सकते हैं। अगेन, ये अभी मैं फ्री कर रहा हूँ, जब आप थोड़े से एडवांस हो जाएंगे, मैं बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ, बेसिक है तो आप डंबल के साथ भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा और लोड पड़े आपकी मसल्स के ऊपर। ये होल्ड करके पूरा, ठीक है। तो ये 2-3 एक्सरसाइज जो मैंने आपको बताई है, इनके आपको 3 सेट करने हैं ना, बराबर 3 सेट करने हैं आपको। रेपिटेशन आप 10 से 15 के बीच में रखें, ये आपका वार्म अप हो जाएगा। जब आपका वार्म अप हो जाता है आपको पता लगता है कि हाँ मसल्स अभी मेरी ठीक है, अभी मैं अपना जो वेट है उसको उठा सकता हूँ। अगर अच्छे वेट के साथ भी ट्रेनिंग करनी है तो भी मैं कर सकता हूँ। तो अभी हम ब्रिक्स के साथ बता रहे हैं, ईंटों के साथ बता रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपना पहला वर्कआउट जो हमारा रहेगा अभी साइड लेटरल, है ना। साइड लेटरल डंबल होता है लेकिन अभी हम क्या करेंगे, साइड लेटरल ब्रिक्स ईंटों के साथ। तो शुरू करते हैं अपना पहला वर्कआउट। आप लोग देख रहे हैं मैं लगा रहा हूँ साइड लेटरल, तो इसके अंदर चीज़ें ध्यान रहे अगेन कि आपकी जो ईंटें हैं वो मैं चाहूँगा कि इसकी 2 पोजीशन होती है, एक आप साइड से लेके जा सकते हैं पूरा फील करके और एक फ्रंट से लेके जा सकते हैं। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो फ्रंट से लेके जाएं ताकि आपको और भी अच्छा इफेक्ट आए। कोशिश करें जिस वर्कआउट को आप कर रहे हैं एक वर्कआउट के साथ आपकी 2 से 3 मसल्स ट्रेन हो, है ना। चलो जी, तो अभी हमारा जो सेकंड वर्कआउट रहेगा वो रहेगा शोल्डर ब्रिक्स प्रेस। मैं डंबल अगेन यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ब्रिक्स के साथ कर रहे हैं। तो अभी आपकी ग्रिप ना आप कैसे भी कर सकते हैं, ग्रिप दोनों तरीके जो मैंने आपको पीछे बताया था, अभी मेरे को ये कंफर्ट लगता है तो मैं इसके साथ कर रहा हूँ अभी शोल्डर ट्रेन। अगेन अब ऊपर लेके जाएंगे तो थोड़ा सा फास्ट लेके जाएंगे लेकिन नीचे लेके आएंगे स्लो, पूरा फील करके मसल्स एंड माइंड का कनेक्शन पूरा। 2 3 4
अगेन आपके रेपिटेशन में फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लाइट वेट से शुरू कर रहे हैं तो लाइट वेट में आपके रेपिटेशन ज़्यादा निकलेंगे, है ना। जब तक आपकी मसल्स के ऊपर लोड ना आए, आपको फील होना चाहिए कि हाँ मेरी मसल्स में पंपिंग आ रही है, मसल्स के ऊपर इफेक्ट जा रहा है, मसल्स को फील करना है आपको। और भाई इस एक्सरसाइज के आपके जो सेट रहेंगे वो 3 रहेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको बैक साइड से और एक बार लगा देता हूँ। तो ये थे हमारे 2 वर्कआउट। अभी हम अपना तीसरा वर्कआउट करेंगे 20 के साथ, जो हमारी रहेगी आर्नोल्ड प्रेस जिसको हम बोलते हैं। तो इजी एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी किसी एडवांस पे नहीं लेके जा रहा हूँ आपको, कोशिश कर रहा हूँ इन ब्रिक्स के साथ, इन ईंटों के साथ जो आपका वर्कआउट हो सके वो मैं आप लोगों को यहाँ पे करके बताऊँ, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुँच सके, आप मैक्सिमम उससे बेनिफिट उठा सके। तो तीसरा वर्कआउट अभी हमारा रहेगा आर्नोल्ड प्रेस। तो शुरू करते हैं इस वर्कआउट को भी। ये आप कर सकते हैं 2 पोजीशन में, आप बैठ के भी लगा सकते हैं इसको, सीटेड एंड स्टैंडिंग दोनों पे। तो मैं स्टैंडिंग अभी आपको करके बता रहा हूँ, ये और यहाँ पे का भाई क्या करते हैं ना, ये आते हैं पहले और फिर यहाँ पे लेके आते हैं और इसको ऐसे लेके आते हैं। आपको क्या करना है, यहीं से घुमाना, आपको ये यहीं से घुमाना है शोल्डर के साथ, ये ठीक है जी। तो ये थे हमारे 3 वर्कआउट। अगेन मैं आपको बता दूं, जो आपका पहला वर्कआउट था जो आप शुरू कर रहे हैं उसके अंदर आपको लगाने 4 सेट, ताकि आपकी मसल्स जो है वो अच्छे से बढ़िया पंपिंग आए और वो उसको पता लगे कि हाँ आज मेरा वर्कआउट होने वाला है। और उसके बाद जो आपके 2 वर्कआउट रहेंगे उसके 3-3 सेट आपको लगाने हैं, मैक्सिमम रेपिटेशन तक आपको जाना है जब तक आपको फील ना आए अपने वर्कआउट को लेके। तो ये थे हमारे 3 वर्कआउट शोल्डर के। तीनों वर्कआउट को आप लोग करें, पूरा फील करके करें, फील करके करेंगे तो कम इक्विपमेंट भी, कम वेट भी आपको ज़्यादा असरदार आपकी मसल्स के ऊपर रहेगा। तो इन तीनों वर्कआउट को करें और उम्मीद करता हूँ इस सीरीज से आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। तो नीचे आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।